जी जस्ट वन टीवी के नाजरीन, आज एक नई जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की आई है जिसके ऊपर तबसरा करना बहुत जरूरी है। ये एक एक्चुअली लैंडमार्क जजमेंट है। मैं आपसे पिछले सेशन में जिक्र कर चुका हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक ऑर्डर के खिलाफ एक पिटीशन जो राजा नदीम नामी शख्स ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए, हुआ यह कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने इस केस को एंटरटेन किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वो जजमेंट जिसके जरिए से एक ओमनी बस ऑर्डर के जरिए तमाम कैदी जो जिनके केसेस प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल नहीं करते, यानी अंडर 7 इयर्स पनिशमेंट जिन केसेस में होती है, उन सबको बयक जुम्बिश कलम बल्क के अंदर बेल देने का ऑर्डर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने किया और 294 जो कैदी हैं वो फौरी तौर पे रिहा हो गए इस ऑर्डर के तहत। ऐसा ही एक ऑर्डर सिंध हाईकोर्ट से आया और वो सरप्राइजिंगली ऐसा ऑर्डर है जो एग्जीक्यूटिव साइड पे है और शायद तहरीरी तौर पे नहीं था, जुबानी ऑर्डर है और उसकी सिर्फ एक प्रेस रिलीज के जरिए से सैकड़ों जो है मुलजमान उनको जो अंडर ट्रायल थे और कुछ मुजरिमान भी थे जिनका ट्रायल हो चुका हुआ था उनको छोड़ दिया गया। एक ऑर्डर लाहौर हाईकोर्ट ने बहावलपुर बार एसोसिएशन की एक पिटीशन पे किया, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे भी उन्होंने एक ऑर्डर किया कि ऐसे तमाम प्रिजनर्स को कोरोना वायरस की जो एक अजाब की सूरत में दुनिया को दरपेश मसला है और खतरा है कि जेलों के अंदर ये वायरस फैल ना जाए, तो उन्होंने भी बल्क में रिहाई का ऑर्डर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये पिटीशन एंटरटेन करते हुए 2-3 नुकात जो थे इनका जिक्र किया था और एक बड़ी ही जबरदस्त जजमेंट जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने लिखी है। जजमेंट 5 रुकनी बेंच था हेडेड बाय द ऑनरेबल चीफ जस्टिस और उन्होंने ये जजमेंट दी है और उसके अंदर उन्होंने जिक्र किया कि पहला क्वेश्चन तो इसके अंदर टेकअप होना था वो यही था कि क्या हाई कोर्ट को सुओ मोटो ज्यूरिसडिक्शन है, तो इस जजमेंट ने ये सेटल कर दिया है कि हाई कोर्ट को सुओ मोटो ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, बल्कि इसमें वो इससे भी आगे तक गए। वो कहते हैं कि जी आईने पाकिस्तान ये कहता है कि तमाम कोर्ट्स को वही ज्यूरिसडिक्शन हासिल है जो आईन ने उनको दी हुई है और लाहौर हाईकोर्ट को या फॉर दैट मैटर इस्लामाबाद हाईकोर्ट को किसी प्रोविंशियल हाईकोर्ट को एक ऐसी ज्यूरिसडिक्शन बिल्कुल नहीं है जो आईन ने उनको नहीं दी। मसलन वो ये नहीं कर सकते कि सुओ मोटो चीजों को एंटरटेन करें और बेल बल्क में दें। जब भी बेल दी जानी है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की ये रिक्वायरमेंट है और लॉ ये कहता है कि कोर्ट अपना माइंड अप्लाई करेगी और प्रोसिक्यूशन को नोटिस देगी और नोटिस देने के बाद अगर केस बेल का बनता है तो वो बेल ग्रांट कर सकते हैं और लॉ जो है वो इजाजत देता है कि बीमार लोगों के लिए, खवातीन के लिए और जिन लोगों का जेल में इलाज नहीं हो सकता या उनके मामला ऐसे हैं कि वो हैबिचुअल ऑफेंडर्स नहीं है तो उनको बेल कोर्ट ग्रांट कर सकती है। लेकिन एक ही ऑर्डर के जरिए से बहुत सारे लोगों को इसका बेनिफिट जो है वो नहीं दिया जा सकता, तो ये गलत तौर पे बेनिफिट कोर्ट्स ने दिया था। इस पे नोटिसेज उन्होंने इश्यू किए थे सुप्रीम कोर्ट बार के सदर को भी, वाइस चेयरमैन बार काउंसिल को भी, इसके अंदर तमाम एडवोकेट जनरल, तमाम अटर्नी लोगों को और अटर्नी जनरल साहब को बुलाया था, प्रोसिक्यूटर जनरल को बुलाया था, इन्होंने पुलिस अथॉरिटीज को जो है इसके अंदर बुलाया हुआ था। अटर्नी जनरल साहब ने कोर्ट के सामने एक आर्गूमेंट किया और उन्होंने कहा कि जब ऑर्डर पास किया जाए तो ऐसे लोग जिनको 3 साल तक की सजा मैक्सिमम हो सकती है किसी जुर्म में, अगर उनको छोड़ दिया जाए और उस सूरत में भी प्रेफरेंस उन लोगों को दी जाए जिनकी 55 साल से ज्यादा उम्र है और खवातीन के लिए और बच्चों के लिए बिल्कुल एक लीनियंट व्यू लिया जाए, तो बाकी लोगों के लिए ये ऑर्डर जो है वो सस्टेनेबल नहीं है। और कोर्ट ने ये होल्ड किया और उन्होंने 2014 की एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का हवाला दिया है कि जजेस जो हैं वो कोई ऐसी पार नहीं रखते कि उनको बादशाहों वाली ताकत दे दी गई है या उनको कोई शहनशाह बना दिया गया है कि जो चाहे वो करते रहे। उन्होंने कहा ये इख्तियार सिर्फ उतना ही होता है जितना कोर्ट ने दिया हो। ये दुरुस्त है कि कोरोना वायरस की एक एपिडेमिक आई है और इसके अंदर जेल के अंदर हालात बेहतर करने चाहिए, सारे मरीजों की जो स्क्रीनिंग होनी चाहिए और लेकिन ये कहा जाए कि जेल्स ओवर क्राउडेड हैं तो दुनिया भर में
चंद ममालिक को छोड़कर जेल तो ओवरक्राउडेड है और कुछ लोग उनका ठिकाना जो है वो जेल ही होता है, जो बाहर आके जो है ना वो जरायम सरजद करेंगे वो ज्यादा खतरनाक हैं दूसरे लोगों के लिए और सोसाइटी के लिए, तो उनको इस तरह से रिहाई जो है वो नहीं देनी चाहिए। कोर्ट ने सेटिसफाइड किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वो ऑर्डर भी, लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर भी और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर सिंध हाई कोर्ट का भी। उन्होंने कहा कि तमाम प्रिजनर जो इस दौरान रहा हो गए हुए हैं, अभी तो हमने अगर अर्जेंटली स्टे ऑर्डर ना दे दिया होता तो बाकी भी बहुत सारे लोग बाहर चले गए थे, तो उनकी गिरफ्तारियां दोबारा अमल में लाई जाएं। सिर्फ वो जो पैरामीटर्स अटर्नी जनरल ने सजेस्ट किए हैं उन्हीं बेसिस के ऊपर देखते हुए ऐसे लोगों को रिहाई जरूर दी जाए, बाकी लोगों को इस तरह से रिहाई नहीं दी जा सकती। और ये कोरोना का बहाना बना के इस तरह से आप मुजरिमों को छोड़ नहीं सकते। कोर्ट ने कहा कि कोरोना वायरस से निपटने का जो तरीकाकार है वो जो बड़ा मसला है वो अभी भी पेंडिंग है, उसको अलग से कोर्ट डील करेगी। तो मैं समझता हूँ ये बड़ी एक तारीखी नोयत की आज एक जजमेंट आई है हाई कोर्ट की सो मोटो जुरिस्डिक्शन के हवाले से भी, और बेल का फैसला इंडिविजुअल लेवल पे हर एक का कंसिडर करके केस टू केस बेसिस पे किया जा सकता है इस बारे में भी, और इस तरह की जुरिस्डिक्शन जिससे आपके सामने कोई पिटिशनर बनके भी अगर नहीं आया तो उनको भी आप बेनिफिट दे रहे हैं, और इंडिविजुअल केसेस को डिस्कस कर कोर्ट कह रही है कि दिस इज नॉट ऑन। तो मैं समझता हूं कि ये बड़ी जबरदस्त एक जजमेंट दी गई है, ये हमारे लिए एक मशाल राह है तमाम लोगों के लिए जो कोर्ट सिस्टम को डील करते हैं और जजेस को भी डील करते हुए इन्हीं चीजों को देखना है। थैंक यू वेरी मच।